ऑस्ट्रेलिया क्लब दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने रचा इतिहास, सचिन कोहली और बाबर को पीछे छोड़ बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि शुभमन गिल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके कौन सा इतिहास रच डाला है, साथ ही सचिन कोहली और बाबर को पीछे छोड़ कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में सब कुछ पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों टीम इंडिया के युवा शुभमन गिल इस साल खूब रन बना रहे हैं। मैच दर मैच गिल कई बड़े रिकॉर्ड बना और तोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाकर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस बार गिल ने सचिन तेंदुलकर, हाशिम अमला, विराट कोहली और बाबर आजम जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में शुभमन गिल ने 97 गेंदों में 104 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। वनडे में गिल का यह छठा शतक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहली बार शतक लगाया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 35 पारियों में 1900 रन बनाने वाले शुभमन गिल विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस रिकॉर्ड लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, पाकिस्तान के बाबर आजम, फखर जमान और विराट कोहली व सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। शुभमन गिल का इस साल यह 5वां शतक है। वह एक कैलेंडर ईयर में 5 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले 7वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली, शिखर धवन ने यह कारनामा किया है। कोहली ने 4 तो रोहित ने 3 बार यह कारनामा किया, वहीं सचिन तेंदुलकर सिर्फ 2 बार ही ऐसा कर सके हैं। तो दोस्तों आप भी शुभमन गिल की बेहतरीन बल्लेबाजी और इस बड़ी उपलब्धि पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।